बॉब्जी द किंग फिर से 11 रन पे डिसमिस हो गए हैं। नाहिद राणा बांग्लादेशी फास्ट बॉलर ने उन्हें फिर से परेशान किया अपनी पेस से और वो स्लिप में एज देकर आउट हो गए। पाकिस्तान का स्कोर 65/5 कर दिया। दिन की शुरुआत में जब बॉब्जी द किंग बैटिंग करने आए तब भी उनका एक बैड कैच था जो कि फॉरवर्ड शॉर्ट लेग से थोड़ी दूर गिरा, फिर एक रिव्यू हुआ उनपे, किसी तरह वो 11 रन तक पहुंचे और फिर इवेंचुअली वो नाहिद राणा की पेस को खेल नहीं पा रहे थे, दो तीन बार बीट हुए, फिर इवेंचुअली एक एज की स्लिप में और चल दिए। बॉब्जी द किंग से बैटिंग हो ही नहीं रही है और वो बुरी तरीके से आउट ऑफ फॉर्म है। इस चार इनिंग्स में उन्होंने सिर्फ 64 रन बनाए हैं 16 की एवरेज से, जबकि जब चारों टाइम वो बैटिंग करने आए इनफ टाइम था, पाकिस्तान मुसीबत में थी और वो बड़े आराम से रन कर सकते थे, लेकिन वो खेल ही नहीं पा रहे। और इतनी पुअर फॉर्म के बाद क्या उनको इंग्लैंड टूर के लिए सेलेक्ट किया जाएगा कि नहीं, दैट इज द बिग क्वेश्चन जो सेलेक्टर्स पीसीबी मैनेजमेंट को डिसाइड करना है, क्योंकि अब ये बात सिर्फ इस सीरीज की नहीं रह गई है, 2022 के बाद से मतलब पूरे 2023 और 2024 के 8 महीने निकल जाने के बाद भी बॉब्जी द किंग के बल्ले से एक 50 तक नहीं आई है। 20 महीने विदाउट अ 50, 15 इनिंग्स में उनकी एवरेज रही है 21 की, सिर्फ 21 की एवरेज से वो बैटिंग कर रहे हैं और अलग अलग कंडीशंस में। वो श्रीलंका गए, पाकिस्तान में खेले, वो ऑस्ट्रेलिया गए, वो जहां भी जा रहे हैं उनसे रन्स नहीं बन रहे, एंड इट्स अ केस ऑफ बिग कंसर्न। और पाकिस्तान को सीरियसली सोचना चाहिए कि क्या नंबर 4 पे फिलहाल वो बेस्ट हैं या कोई और यंगस्टर है जो उनकी जगह आके शायद रन्स बना सके और पाकिस्तान को बचा सके। अब बात करते हैं मैच की। शुरुआत में जब पाकिस्तान 9/2 से स्टार्ट कर रहे थे, 21 रनों की लीड थी, साइम अयूब और शान मसूद दिन दोनों ने फर्स्ट इनिंग्स में हाफ सेंचुरी बनाई थी, वो अच्छे फॉर्म में दिखे, दोनों ने अग्रेसिव स्टार्ट किया और इनफैक्ट पाकिस्तान ऑलमोस्ट 4 के रन रेट से खेल रहा था। आधे एक घंटे तक इन दोनों ने बढ़िया बैटिंग की, लेकिन फिर साइम अयूब एक कवर ड्राइव मारते हुए कवर्स में कैच आउट हो गए सिर्फ 20 रन बनाकर, और उसके दो ओवर के बाद शान मसूद जो 80 प्लस की स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे थे, 28 रन बना चुके थे, 4 बाउंड्री मार चुके थे, उन्होंने एक फिफ्थ सिक्स्थ स्टंप की बॉल को चेस करते हुए कॉट बिहाइंड हो गए। नाउ दिस इज ब्लैक ऑफ कॉमन सेंस, गुड इंटेंट डजंट मीन कि आपको कुछ भी किसी भी बॉल को आपको अटैक करना है। योर टीम इज 62/3, आपके सिर्फ 12 रन की लीड है, 74 की ओवरऑल लीड है, क्या उस टाइम पे ये शॉट जरूरी था? बट एनीवेज शान मसूद ने वो शॉट खेला, वो आउट हुए और उसके बाद आए ब्रैडमैन, एशिया के ब्रैडमैन, जिसे पहली टेस्ट मैच में बांग्लादेश के खिलाफ 100 के बाद नाम दे दिया गया कि ये तो ब्रैडमैन है एशिया के। ब्रैडमैन साहब 2 रन बना के आउट हो गए, ये कैसे ब्रैडमैन है भाई, क्या सोच के नाम देते हो? मतलब मैं सीरियसली पाकिस्तानी लोगों के आईक्यू के ऊपर सरप्राइज्ड होता हूं, किसी ने 50 मार दी कोई नाम दे दिया, किसी को प्रिंस बना दिया। अभी अब्दुल्ला शफीक को कुछ दिन पहले विराट कोहली से कंपेयर किया जा रहा था, अभी बाबर आजम की एक स्टेटमेंट बहुत सामने आ रही है कि वो वॉल ऑफ पाकिस्तान है, हम उसे राहुल द्रविड़ मानते हैं। इतना बड़ा बैट पैड के बीच गैप होता है, कल फिर वो 3 रन पे आउट हो गए, किसी को द्रविड़, किसी को ब्रैडमैन, किसी को विराट कोहली, मतलब कंपैरिजन से पहले कॉमन सेंस का इस्तेमाल कैसे क्यों नहीं करते मुझे समझ नहीं आता। शाउट शकील जिन्हें ब्रैडमैन बनाए घूम रहे थे वो 2 रन पे आउट हो गए, और फिर बॉब्जी द किंग। ओवरऑल पाकिस्तान इस वक्त बहुत बुरी सिचुएशन में है और खराब सिचुएशन में हो सकता था अगर रिजवान ने पहली बॉल पर एक सिंपल कैच दे दिया था जो स्लिप्स ने छोड़ दिया। वो मिस कितना भारी पड़ेगा ये पता नहीं, लेकिन ऑलरेडी रिजवान 38 पे जा चुके हैं, जबकि जब ये कैच छूटा तो वो 0 पे थे पहली बॉल, और पाकिस्तान का स्कोर है 117, टोटल लीड है 129। नहीं, बांग्लादेश अब ये नहीं चाहेगा कि ये लीड 200 से ऊपर जाए, दे वुड प्रेफर चेजिंग एनीथिंग अराउंड 200 एट बेस्ट। अगर पाकिस्तान 250 प्लस कर लेता है तो हम देख चुके हैं कि फर्स्ट इनिंग्स में बांग्लादेश भी किस तरीके से मुसीबत में थी, तो ये एक मिस है जो बांग्लादेश ने किया, अदरवाइज ये पहला सेशन पूरी तरीके से बांग्लादेश का रहा, स्पेशली नाहिद राणा 21 साल के फास्ट बॉलर जिन्होंने 5 ओवर में 22 रन देके 3 विकेट लिए, जिसमें कि शान मसूद, बॉब्जी द किंग और ब्रैडमैन शाउट शकील का विकेट था, और उन्होंने बांग्लादेश को बिल्कुल इस मैच में और इस सीरीज में टॉप पे ला दिया है। अब सेकेंड सेशन जिसमें कि कल बांग्लादेश ने पूरी तरीके से डोमिनेट किया था, बैट्समैन के फेवर में था, देखना है क्या रिजवान और सलमान अली आगा भी उसी तरीके से डोमिनेट करके पाकिस्तान के लिए रन ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये सेशन पाकिस्तान ने स्केप कर लिया तो 100
29 रनों की लीड है, वो लीड 200 के आसपास पहुंच जाएगी और फिर पाकिस्तान विल स्टार्ट फीलिंग सेफ। लेकिन अगर बांग्लादेश ने इस सीरीज में बढ़िया, इस सेशन में बढ़िया बॉलिंग की, उनके स्पिनर्स ने इम्पैक्ट डाला, तो दे मे बी चेजिंग 170 टू 180 एंड इट कैन बी बांग्लादेश गेम। तो बहुत इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है, लेकिन बॉब्जी द किंग अब शायद आपको रेस्ट की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके की परफॉर्मेंसेज आपकी हो रही हैं, मुझे नहीं लगता कि इंग्लैंड सीरीज में भी ये चेंज होने वाला है। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।